अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन का शलजम गोश्त। शलजम वो भी पत्तों वाले, सर्दियों की शानदार डिश है ये शलजम गोश्त। और बहुत आजकल अच्छे शलजम आए हैं पत्तों वाले बहुत। तो आइए चलते हैं, हमें किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी, हम किस तरीके से इसकी मैरिनेशन करते हैं तो देखते हैं। एक भगोने में ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन एक कप के करीब हमने ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने चिकन ली है तकरीबन 3 पाव, यानी यह है 750 ग्राम, ये ऐड कर देंगे हम इसमें। अच्छी तरीके से हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन को हम फ्राई करेंगे, चिकन में से एक पानी सा निकलता है जिससे थोड़ी सी इसकी जो है अपनी अलग से खुशबू होती है जो है वो निकल जाए। पानी खुश कर देंगे तो वो ख़त्म हो जाएगी, एक स्मेल होती है इसमें जो इसकी अपने गोश्त की होती है। अच्छी तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन अच्छी तरीके से फ्राई हो गया तो अब इसमें हम लेंगे ये लहसुन और प्याज, इसको हम बारीक पीस लेंगे। लहसुन और प्याज हमने बारीक पीस लिया है, अब इसको ऐड कर देंगे हम। स्पाइसेस लेंगे हम, हमने लिया 1 टेबल स्पून पिसा धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1/4 हमने लिए हल्दी और इसमें लिया नमक 1 टीस्पून, ये ऐड कर देंगे आप। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके भूनेंगे। बहुत मज़ेदार बनता है शलजम गोश्त, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। आजकल शलजम बहुत अच्छे आए हुए हैं। मैं इसको ज़्यादा भूनूंगी नहीं, इसमें मैंने मसाला मिक्स कर दिया है। अब मैंने पत्ते लिए हैं शलजम के, ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे पत्ते इसके कट कर लिए, वॉश करके सारी ये ऐड कर दूंगी। इसके बहुत फ़ायदे हैं पत्तों के, आप हंडिया में डालें, इसके साथ पत्ते ज़रूर बनाएं साथ काट के इसके। स्टमक के लिए इसके पत्ते बहुत फ़ायदा करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा सेट रहता है बिल्कुल इससे। इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि जो है इसका ऑयल अलग हो जाए, पत्ते भी अच्छी तरीके से, पत्तों का पानी भी खुश्क हो जाए और मसाला भी भुन जाए। ये देखिए अच्छी तरीके से ये भुन गया है, ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें हम एक छोटा सा टमाटर हमने लिया है ये कट करके ऐड कर देंगे। ये देखिए ये थोड़ा सा भुन जाएगा टमाटर डाल के। तो ये देखिए हमने ये इतने अच्छे से कट करके ये रखे हैं शलजम सारे, हमने इसको छिलके उतार लिए हैं सारे, ये ऐड कर देंगे। इसी तरह आप बारीक बारीक इसको कट कीजिएगा जिस तरह मैंने किए हैं। ये डाल के हम इसको मिक्स कर दें अच्छी तरीके से। आज की अच्छी बात आपके साथ शेयर करूं, मोहब्बत को कभी भी नफ़रत में बदलने का एक मौका भी मत दें, क्योंकि जब मोहब्बत नफ़रत में बदलती है तो बहुत ख़तरनाक होती है। ये देखिए अच्छी तरीके से जो है ये मिक्स हो गई है सब्ज़ी सारी।
अब इसमें हम पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम शलजम को इसके अपने ही पानी में गलाएंगे। अब इसको हम रख देते हैं गलने के लिए 10-15 मिनट के लिए, हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख देंगे इसे। 15 मिनट हो गए, 15 मिनट बाद इसको हम चेक करते हैं। ये देखें अच्छी तरीके से ये गल भी गया है और भुनने पे आ गया है। इसको हम अच्छी तरह भुनेंगे। अब शलजम भी गल गए हैं इसके और चिकन भी अच्छी तरह गल गई है। 5 मिनट तक इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखें अच्छी तरीके से भुन गया है इसका, ये ऑयल निकलना शुरू हो गया है। अब इसका हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ करके हम इसके ऊपर ये पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इस पे हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा शलजम गोश रेडी है। आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के आप तक पहुँच सके। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।